अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज आर्टिकल्स बाय मे डी। अच्छा, अब मैं आपको जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो के पार्ट में आपको बताया किरचॉफ करंट लॉ, अब मैं आपको सिखाऊंगी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जैसे कि आप देख सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए मैंने एक सर्किट यहाँ पर ले लिया है जिसके ऊपर मैंने करंट इंडिकेट किया है जो कि मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, मैं इसमें से मैंने करंट फाइंड करना है, सही है। तो मैं KVL के थ्रू इस अप्लाई करके इसमें से ये करंट फाइंड करूंगी। ठीक है, अच्छा जी। KVL क्या होता है? ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज लूप, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। कैसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे V1, V2 और V3। यहाँ पे V1 और V2 तो हैं, V3 की जगह हमारे पास वैल्यू है 10 वोल्ट। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट लिखा। अब यहाँ पे मुझे करंट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? करंट मीन्स के मुझे I फाइंड करना है, और I जो है वो मेरे पास यहाँ KCL से नहीं आ सकता, KVL से आ सकता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ वोल्टेजेस मेंशन है, रेजिस्टेंसेस मेंशन है, और एक सोर्स वोल्टेज भी गिवन है। तो हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, आइए देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा, मैं आप बना रही हूँ यहाँ पे इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पर आप इक्वेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ मैंने एक लूप में ये लिख दिया, लूप का लूप की डायरेक्शन माइनस से प्लस में जा रहा है, मींस करंट गेन। ठीक है, तो ये होगा 10 वोल्ट, मींस पॉजिटिव 10 वोल्ट। अच्छा जी, प्लस से माइनस मींस ड्रॉप हो रहा है माइनस। अब V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 2K जस्ट नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे करंट फाइंड करना है, और मैं इसको यहाँ पर IR मुझे गिवन है, I नहीं गिवन, तो मैं यहाँ का V जो है वोल्टेज वो मैं लिखूंगी 2 किलो ओम इंटू I, यानी कि I 2K। ठीक है, अब वो K जो है वो मैं रिजॉल्व बाद में कर लूंगी, आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे। अब ये एक, ये जो मैं आपको जरा बता दूँ यहाँ पे कि मैं कर क्या रही हूँ, एक V की वैल्यू मेरे पास, ये सॉलिड वैल्यू थी, ठीक है, सोर्स वाली, ये एक V की वैल्यू थी जो मुझे उसमें I नहीं पता था, इस वजह से मैं V1 नहीं लिख सकी। ठीक है, नेक्स्ट में चलती हूँ माइनस पे, ये भी प्लस से माइनस हो रही है, यानी डायरेक्शन यहाँ प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया I3K। ठीक है, अब यहाँ पे I3K तो मेरे पास हो गया। अब I मुझे नहीं पता, तो मैं इस सारे को इक्वल टू जीरो करूंगी क्योंकि ये हमारा वोल्टेज लॉ है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इस सारे को जीरो कर दिया, एक जीरो के इक्वल कर दिया। अब ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये वाली, ये V2 की वैल्यू है बेसिकली, क्योंकि मेरे पास आई नहीं था, तो अभी मैं उसको फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, और फिर हम वेरीफाई करना भी आपको सिखाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं अपना सर्किट जो है आंसर निकाल के बस चले जाते हैं कि भाई हो गया हमारा काम, लेकिन वो बेसिकली होता ही है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी करंट की वैल्यूज जो हमने निकाली है वो ठीक आई या नहीं ठीक आई, वो मैं आपको भी चेक करना भी सिखा दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम कहाँ चल रहे हैं? अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया, अब हम इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। -5 KI, ठीक है, एक साइड पे तो ये हो गया मेरे पास 5 KI।
10 को मैंने इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया तो ये पॉजिटिव था, वहां जाके नेगेटिव 10 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा नेगेटिव 10 हो गया जब ये, तो अब इसमें मैं कटिंग भी कर सकती हूँ 5 के साथ। यहाँ मैं कटिंग दूसरे मार्कर से कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी बच्चों को समझ आ जाए। ये 5 वन्स आर 5 और ये हो जाएगा 5 टूज आर 10। ठीक है, मैं बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट इस वक्त समझा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक से अगर इजी सीखा होगा तो उसी कॉन्सेप्ट को आप लेकर आगे चल सकते हैं फर्दर। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, आई की वैल्यू माइनस भी माइनस से कैंसिल हो गया और 5 भी कैंसिल हो गया, लेकिन के कैंसिल नहीं हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ उसके साथ क्या करना है। आप लोगों ने यहाँ पे आ गया 2 और इसके नीचे हम ये जो के था इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि आई बिल्कुल ही हमारे पास आइसोलेट हो जाए। अब ये के जो होता है बेसिकली क्या होता है, के इज बेसिकली 10 raised to power 3। सही हो गया। ये मल्टीप्लायर है ना, आपको पता होगा, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या मैथमेटिक्स के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, जो भी आप लोग हैं, बेसिकली ये मल्टीप्लायर्स तो कांस्टेंट रहते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ ज़रा वैल्यू डाल देती हूँ इसकी, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती मिली एम्पेयर कहाँ से आ गया। जी डायरेक्ट कर दिया मैडम ने, सर ने, दैट्स ऑल व्हाट दे आर फेसिंग द इश्यूज। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ नीचे मैं लिख लूँगी 10 raised to power 3। ठीक हो गया। अब ये जो 10 raised to power 3 था ना, इसको मैंने यहाँ पे ऊपर लेके जाई। जब इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 raised to power -3। ठीक हो गया। अब मेरे पास जब माइनस थ्री आ गया था तो फिर अच्छा अब ये मिली का है मल्टीप्लायर मीन स्मॉल m, ये हो गया स्मॉल m। ठीक है, और एम्पेयर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सही हो गया, ये मिली हो गया। तो अब हमारे पास आंसर हो गया आई का, क्या आंसर आ गया हमारे पास आई का, 2 mA, जो कि हमने अपने के वी एल से यहाँ पर डिटरमिन किया है। ठीक है, 2 mA और ये हो गया हमारा के वी एल। अगर इससे ज़्यादा भी कोई हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो मैं आप लोग मुझे ईमेल कर दें तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा किरचॉफ वोल्टेज और करंट लॉज और साथ में वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल्स जो कि हायर इलेक्ट्रिक्स में यूज़ होते हैं, तो वो भी मैं साथ साथ वीडियोस अपलोड करूंगी। इसके अलावा केमिस्ट्री के सेल्फ असेसमेंट्स जो हैं वो भी हमारी कंटिन्यूएशन में चल रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं सारी उस सीरीज़ को कम्प्लीट करूँगी। तो इसके लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको चाहिए कि वीडियोस को देखें समझें, और अगर कहीं इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे पूछ लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस भी कर दूंगी और आपके लिए आपकी डिमांडेड वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।